40 दिनों में लंबाई बढ़ाने के घरेलू उपाय। लोगों की हाइट समय से पहले ही बढ़ना रुक जाती है। इसका मुख्य कारण शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व न मिलना और हार्मोन की गड़बड़ी है। दरअसल हमारी लंबाई बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी HGH का होता है। HGH पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। यही कारण है कि सही प्रोटीन और न्यूट्रिशन न मिलने पर शरीर का विकास रुक जाता है। यदि आपके साथ भी यह समस्या है तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं हाइट बढ़ाने और कर्वी फिगर पाने के कुछ खास नुस्खे। नुस्खा 1, अश्वगंधा और सूखी नागौरी दोनों को ही आयुर्वेद में शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। सामग्री 20 ग्राम सूखी नागौरी, 20 ग्राम अश्वगंधा, 20 ग्राम चीनी। बनाने की विधि, सूखी नागौरी और अश्वगंधा की जड़ को बारीक पीस लें। इस चून में बराबर मात्रा में चीनी मिला लें। यह मिश्रण कांच की बोतल में भर लें। ऐसे करें सेवन। रात को सोते समय रोज 2 चम्मच चून लें। फिर गाय का दूध पिए। इससे हाइट बढ़ने के साथ ही हेल्थ भी बन जाती है। इस चूर्ण को लगातार 40 दिन तक लें। सर्दियों में यह चूर्ण अधिक फायदा करता है। नुस्खा 2, काले तिल और अश्वगंधा का यह योग नियमित रूप से सेवन करने पर हाइट बढ़ने लगती है। सामग्री 1 अश्वगंधा चूर्ण, 2 काले तिल, 3 खजूर, 4 गाय का घी। बनाने की विधि, 1 सेकंड 2 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण और 1 सेकंड 2 ग्राम काले तिल को पीसकर चूर्ण बना लें। ऐसे करें सेवन। इस चूर्ण को 3 सेकंड 5 खजूर में मिलाकर 5 सेकंड 20 ग्राम गाय के घी में 1 महीने तक खाने से लाभ होता है। नुस्खा 3, केवल अश्वगंधा का पाउडर लेने से भी कद बढ़ने लगता है। सामग्री 1, अश्वगंधा की जड़ 2, चीनी 3, दूध। बनाने की विधि, थोड़ी सी मात्रा में अश्वगंधा की जड़ लेकर उसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण में बराबर मात्रा में चीनी मिलाकर रख लें। ऐसे करें सेवन। इस मिश्रण को 2 चम्मच मात्रा में 1 ग्लास दूध में डालकर पिए। रात को सोने से पहले 45 दिनों तक इस योग का सेवन करने से शरीर सुडौल बनता है और कद बढ़ जाता है। सावधानियां, फास्ट फूड या जंक फूड का सेवन न करें। खटाई न खाएं। ज्यादा मिर्च मसाले से परहेज करें। इन दवाओं का सेवन गाय के दूध से करें तो बेहतर है। ये भी करें, जिन लोगों का कद नहीं बढ़ रहा हो उन्हें रोज ताड़ासन और भुजंगासन करना चाहिए। ताड़ासन विधि, ताड़ासन करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं। हाथ उठाकर सांस अंदर लें। अपने पैर के पंजों पर कुछ समय के लिए खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को मिलाएं और अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचे। कुछ देर उसी अवस्था में रहें। फिर सांस बाहर छोड़ें और दोनों पैर के पंजों को सामान्य अवस्था में ले आएं। यह क्रिया 10 सेकंड 15 बार करें। भुजंगासन विधि, पेट के बल लचाएं। दोनों पैरों को मिलाकर रखें। सिर जमीन पर, आंखें खुली हुई और दोनों बाजू को कोहनी से मोड़ें। हाथों को कंधों के नीचे रखें। कोहनी बाहर की ओर ना हो बल्कि शरीर के साथ लगाकर रखें। एक ही बार में सांस नहीं भरेंगे बल्कि आसन करते हुए धीरे धीरे सांस भरें। धीरे धीरे सांस लेना शुरू करें और फिर सिर को उठाएं। गर्दन को पीछे की ओर मोड़ें। पीठ की मांसपेशियों का बल लगाते हुए आप कंधे भी उठाएं। हथेलियों पर थोड़ा दबाव रखते हुए छाती और नाभि तक का भार उठाएं। हर स्थिति में नाभि को जमीन से 30 सेंटीमीटर ही ऊपर उठाना चाहिए, ज्यादा नहीं, अन्यथा कमर भी उठ जाएगी। इस स्थिति में कोहनी सीधी नहीं होगी। इसके बाद आकाश की ओर देखें। इस अवस्था में सांस रोके कमर के निचले भाग पर खिंचाव आएगा जिसे आप महसूस कर पाएंगे। इस स्थिति में 3 से 4 सेकंड तक रहें और फिर सामान्य अवस्था में आ जाएं। इसके साथ ही अपने डाइट चार्ट में ज्यादा से ज्यादा फल और मेवे शामिल करें। कद बढ़ने लगेगा।